जिला चिकित्सालय व निजी अस्पतालों समेत शहर के कई बूथों पर शनिवार को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई, जिसमें जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में 529 का टीकाकरण किया गया। शाही ग्लोबल हॉस्पिटल, प्राइड हॉस्पिटल, आनंद लोक हॉस्पिटल और गर्ग हॉस्पिटल में 250 लोगों का टीकाकरण हुआ। बूथों पर सत्यापन कक्ष, टीकाकरण कक्ष और ऑब्जर्वेशन कक्ष के अलावा वेटिंग एरिया भी बनाई गई थी। सत्यापन के बाद कर्मचारी वेटिंग एरिया में इंतजार करते दिखे, नंबर आने पर वैक्सीन लगवाते नजर आए। टीकाकरण के बाद वह 30 मिनट तक डॉक्टरों की निगरानी में रहे। इसी बीच कहीं किसी के तबियत खराब होने की सूचना नहीं मिली। एहतियात के तौर पर सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने अपील किया कि जिनका नाम सूची में ना हो और टीका लगवाने आ गए हों, उनका नाम कोविन पोर्टल पर देखकर ही टीका लगाया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, कोरोना वैक्सीन डेली हमारे यहाँ चल रहा है। जिला अस्पताल में मेल और पुरुष और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पूरे 6 दिन वैक्सीनेशन हो रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी 33 लोगों ने ऑफर किया है कोरोना वैक्सीन कराने के लिए। अभी तक 20 लोगों ने पैसा जमा कर दिया है जो वैक्सीन ले जाएंगे और कराना शुरू कर देंगे। अभी तक हम लोग करीब 45,000 से ज़्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कर चुके हैं। मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हम रूरल एरिया में भी सभी प्राइवेट हमारे सरकारी अस्पताल PSC CSC पर वैक्सीनेशन शेड्यूल्ड है। उस दिन हमारे यहाँ हमारे पास में 115 से ज़्यादा सरकारी स्थलों पर सेशन चलेगा। हम अपील करते हैं अपनी जनता से कि जो 45 साल से ऊपर जो कोमॉर्बिड हैं और 60 साल से ऊपर जितने लोग भी हैं, वो पहले पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि देखा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराने में बहुत ही समय लग रहा है। पहले से अगर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उनको भी ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो आएंगे तुरंत, उनका वेरिफिकेशन होगा और वैक्सीनेशन हो जाएगा। अब पहले से पोर्टल पर एंट्री नहीं होती है तो पोर्टल पर एंट्री करने में काफ़ी समय लगता है। तो वैक्सीनेशन शेड्यूल अच्छा चल रहा है और हमारा टारगेट है कि हम मंडे को 13,000 से ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन कराएं। तो हमें अपनी जनता से अपील है कि लोग पहले से पोर्टल पर एंट्री कर लें और जिससे कि हमें ज़्यादा परेशानी ना हो। और फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को भी अपील है कि जो लोग छूटे हुए हैं वो लोग भी आएँ और अब वैक्सीनेशन कराएँ।